नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आन्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी दीपावली और राज्य स्थापना दिवस के दृष्टिगत प्रदेश भर में स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दीपावली के पर्व पर यातायात प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि आवागमन में लोगों को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। अग्निशमन विभाग द्वारा दीपावली पर आगजनी घटनाओं से बचाव के लिए अग्निशमन वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य विभाग को सभी आपातकालीन व्यवस्था रखने के साथ ही वन यूनिट 24 घंटे सुचारू अवस्था में रखे। त्योहारों में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, थूक की घटनाओं और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदों को सभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, जिसमें जन सहयोग भी लाया जाए। स्वच्छता के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौंदर्यकरण की दिशा में कार्य किए जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को जनता का कार्यक्रम बनाया जाए। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 6 से 12 नवंबर तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अथक प्रयासों के साथ बाद डोबाला के थानो गांव में लेकर गांव का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, केंद्रीय फिल्म प्रमाणय बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व टिहरी गढ़वाल सांसद महारानी राजलक्ष्मी शाह, डोबाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला और 40 देश के लेखक एवं कवियों ने कार्यक्रम में शिरकत करी। असल में कार्यक्रम में मंच से भी कहा कि देखिए, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, भीड़भाड़ बढ़ती जा रही है, शोर बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं लोगों को जो लेखक हैं और खासकर आत्मचिंतन करना चाहते हैं, बैठकर सृजन करना चाहते हैं, उनके लिए प्रकृति की गोद में ऐसी एक जगह होना जहाँ वो आकर लिख सकते हैं, बहुत बहुत ही अच्छा ये मुझे लगता है स्वप्न है और आइडिया है। और अब तो इसका मूर्त रूप हम देख रहे हैं होते हुए। तो आदरणीय निशंक जी को बहुत बहुत इसके लिए बधाई है कि उन्होंने ये शुरुआत की है। और इसके बाद मुझे लगता है कि सबको इसमें रुचि लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसका भी उसी तरह से सदुपयोग भी हो। और एक पक्ष इसका जो निशंक जी ने कहा भी, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लेखक बहुत स्ट्रगल करते हैं, कई बार जो है कलम दम तोड़ देती है, तो कलम दम न तोड़े, उसकी सांसें जीवित रहें, उसके लिए भी प्रयास करना, वो चाहे आर्थिक रूप से हों या इंफ्रास्ट्रक्चरली उनको यहाँ पर जगह देने की बात हो, तो लेखकों को ऐसी एक जगह प्रस्तुत करना जहाँ पर वो जीवन के प्रति कड़वाहट ना आ जाए। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सफ़र की शुरुआत होती है तो बहुत सारे आदर्श होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, पर धीरे धीरे जीवन के सत्यों के साथ वो स्वप्न दम तोड़ने लगते हैं। बहुत से लेखकों को जानता हूँ जो युवावस्था में बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन बाद में लिखना ही बंद कर दिया, क्योंकि जीवन की के बोझ जो हैं वो उससे दब जाते हैं। तो उन सबको भी अगर यहाँ पर मिले, एक दिशा मिले, तो बहुत अच्छा हो। एक सोच थी, एक सपना था जो पिताजी ने, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने देखा था, और आज वो सपना साकार हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि वो एक राजनेता होने के साथ साथ हमेशा से एक लेखक हृदय रहे हैं। इतनी किताबें उन्होंने लिखी हैं, और वही लेखक हृदय की एक पीड़ा थी कि एक राइटर विलेज बनाया जाए, लेखक गाँव बनाया जाए। क्योंकि उत्तराखंड को हम सब जानते हैं, इट्स ब्यूटीफुल फॉर शूटिंग। मैं खुद एक एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ, और ज़्यादातर पिक्चरें अब यहाँ पे शूट भी हो रही हैं, तो अगर शूट हो रही हैं तो लिखी क्यों ना जाए। और यही सोच के साथ में लेखकों को एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा पर्यावरण मिल सके
जहां वो बैठकर शांति से अपनी स्क्रिप्ट को लिख सके, ये सोच के साथ इसको बनाया गया है। और इसके हर कोने कोने में आपको उत्तराखंड की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ की नवग्रह वाटिका है, यहाँ पे कैफ़े बनाया जा रहा है, बहुत सारी नई नई चीज़ों का जो है वो निर्माण किया जाएगा। मैम उत्तराखंड कोर्स, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि उत्तराखंड हमारा ऐसा है कि जहाँ नज़र चली जाए वहाँ एक शूटिंग हो सकती है, वहाँ एक लोकेशन है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि थानो ये जो जगह है बहुत खूबसूरत है। आप अगल बगल देखिए, पहाड़ और हरियाली देखने को मिलती है, और हमारे एयरपोर्ट के भी बहुत पास में है। तो मुझे लगता है कि ये लेखक गाँव सिर्फ थानो ही नहीं, उत्तराखंड को और पूरे भारत को जो है वो विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाएगी, क्योंकि ऐसी परिकल्पना कभी किसी ने नहीं की, ऐसी सोच कभी किसी ने, कोई लेखक गाँव अभी तक खुला नहीं, ये पहला। राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर खेल, युवा कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने रुद्रपुर खेल स्टेडियम में निर्माणाधीन वेलोड्रम बहुउद्देशीय हॉल का स्थलीय निरीक्षण किया। 22.5 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेलोड्रम 333 मीटर परिधि का है। साथ ही वेलोड्रम पवेलियन निर्माण किया गया, जिसकी 700 बैठक क्षमता है। इसके उपरांत खेल मंत्री ने स्टेडियम में 40 करोड़ की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय हॉल का निरीक्षण किया। इस हॉल में 1200 लोगों के बैठने हेतु पवेलियन बनाया गया है। निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री ने बहुउद्देशीय हॉल में वीआईपी के बैठने के लिए वीआईपी बॉक्स बनाने तथा एसी लगाने व पर्याप्त रोशनी व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में 28वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होने हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में राष्ट्रीय खेल आयोजन का अवसर मिला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सभी 34 खेल राज्य की में ही करा रहे हैं, जिसमें से 4 से 5 खेलों का आयोजन रुद्रपुर में होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल आयोजन हेतु सभी तैयारियां की जा रही हैं। खेलों के आयोजन हेतु धनराशि की कोई कमी नहीं है, खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने कार्यों को गुणवत्तापूर्ण व शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिए हैं। अपने राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, और इस अवसर के साथ में खुशी की बात यह है कि हमारी नेशनल गेम की डेट्स भी डिक्लेयर हो गई हैं, जिस जो कि 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक लगातार होंगे। और निश्चित रूप से इन नेशनल गेम को अलग अलग जनपदों में अलग अलग गेम्स के साथ प्रस्तावित करने का विभाग का प्रस्ताव भी है, जिसको लेकर मैं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा को भी अपनी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में उनको जानकारी दे चुकी हूँ। साथ ही हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी विभाग ने किस प्रकार की तैयारी कर रखी है, कौन से गेम कहाँ कहाँ प्रस्तावित किए जा सकते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी वो तैयारी की सूचना जानकारियाँ उनको दे चुकी हूँ। आपको बताते हुए बेहद खुशी है कि अपने ऊधम सिंह नगर में भी, अपने रुद्रपुर में भी जो है नेशनल गेम प्रस्तावित है, जहाँ आप हम सब लोग खड़े हैं इस मल्टीपर्पज हॉल में, जिसको आज मैं निरीक्षण करने भी पहुंची हूँ, और जहाँ अभी आप थोड़ी देर पहले मेरे साथ में निरीक्षण मेरे साथ में थे, तो वेलोड्रम का भी आप हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है। दोनों ही जगह में जो है वो नेशनल गेम विभाग की ओर से प्रस्ताव में गए हुए हैं, और मैं समझती हूँ कि जैसे ही भारतीय ओलंपिक संघ की AGM की बैठक होगी, कुछ चीज़ें जो वहाँ पर विभाग की ओर से अनुरोध के रूप में गई हुई हैं, जैसे ही वो फाइनल होती है तो मैं मानती हूँ कि यहाँ पर वेलोड्रम भी होगा नेशनल गेम के रूप में, यहाँ पे मल्टीपर्पज हॉल में वॉलीबॉल भी होगा, हैंडबॉल भी होगा और फेंसिंग भी होगी। मैं समझती हूँ कि ऐसे ही हमारे 4-5 गेम जो जब यहाँ रुद्रपुर में होंगे, तो उसी की तैयारियाँ के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर भ्रमण भी हुआ है, और निश्चित रूप से जो कार्यदायी संस्था थी, उस कार्यदायी संस्था को संबंधित कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र प्लस गुणवत्तापूर्वक करने, चूंकि यह कार्य केवल और केवल किसी विभाग का विषय नहीं है, यह कार्य पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। समय पे होना, गुणवत्तापूर्ण होना, तकनीकी पूर्ण होना, ये तीनों रूप से जो है उस पर स्टैंप लगना बहुत आवश्यक है, इसके स्पष्ट निर्देश दिए हैं, और समय अवधि के साथ में इस कार्य को पूर्ण किया जाए ये भी बताया गया है। जैसे अभी मल्टीपर्पज हॉल में हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ आप हम सबको गर्मी भी लग रही है, स्वाभाविक रूप से अब हम जब यहाँ पे 20-25-30 लोग यहाँ पे खड़े, तब ये स्थिति है, जब ये हॉल पूरा भरा होगा तब क्या स्थिति होगी, तो इसके लिए AC की लगाए जाने की व्यवस्था के संदर्भ में भी निर्देश दिए हैं, जिसका एस्टिमेट जो है ये विभाग को भेजे, इसके इनको बता दिया गया है।
साथ ही वेलोड्रम में कुछ चीज़ें हमें ऐसी लगी, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम के संदर्भ में हो, चाहे वो क्रैक आने के संदर्भ में हो, चाहे वो खिलाड़ियों को कुछ समय के लिए रुकने के संदर्भ में हो, और चाहे उसके गेट बनाने के संदर्भ में हो, चाहे हमारे जो हमारे दर्शक हैं पवेलियन है उसको उसके ऊपर छत लगाने के परिप्रेक्ष्य में हो, ये भी साथ साथ में निर्माण करें। कोई ये ना सोचे कि चूंकि हमारे नेशनल गेम सर्दियों में प्रस्तावित हो रहे हैं, क्योंकि 28 जनवरी लगभग सर्दी का समय होता है, लगभग समापन की ओर सर्दी होती है, तो ऐसा ना समझे कि उस समय धूप नहीं होती है, तो उस समय भी सर्दियों में भी दिन के समय का हमारा यदि गेम है तो स्वाभाविक रूप से तीखी धूप भी हो सकती है, तो दर्शकों को बैठने में दिक्कत ना हो, तो उसके भी निर्देश दिए हैं कि उसे तुरंत जो है उसमें उसका छत निर्माण का कार्य भी किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से हमारा प्रदेश देश के गिने चुने राज्यों में है, मैं समझती हूँ शायद हो सकता है कि पहला ऐसा उदाहरण मिल सकता है नेशनल गेम के निमित्त में कि ऐसा प्रदेश है जहाँ पर नेशनल गेम के 34 गेम्स जो मैंडेटरी हैं वो अपने ही प्रदेश में कराए जाने के संसाधनों को विकसित करने के परिप्रेक्ष्य में देश का पहला राज्य होगा। और सामान्यतः हम नेशनल गेम में दो नेशनल गेम हम देखकर आए हैं, उन नेशनल गेम में हमने ये देखा है कि वेलोड्रम जैसा गेम जो है वो दिल्ली में कराया जा रहा था जबकि नेशनल गेम संबंधित प्रदेश में प्रस्तावित था, लेकिन वो अन्य राज्यों में कराएगा क्योंकि उनके यहाँ सुविधा नहीं थी। लेकिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के नेतृत्व में जो है सारे गेम्स हम उत्तराखंड में ही, हमारे संसाधन सारे हम लोग विकसित कर चुके हैं और कुछ पूर्ण होने की स्थिति में है, सब हमारे गेम यहीं पर होंगे और बहुत ऐतिहासिक जो है 38वां राष्ट्रीय खेल होगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ। और मैं समझती हूँ कि इन सबको ये साफ साफ बता दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई गलती या कोई त्रुटि जो है वो नेशनल गेम के निमित्त में जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी, और इसके अतिरिक्त जो है विभाग पूरी तरीके से आर्थिक रूप से जहाँ कहीं भी जिस प्रकार की जरूरत है नेशनल गेम को कराए जाने के मानकों के अनुरूप विभाग। चलिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बात आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी में मस्जिद को अवैध बताकर आंदोलन कर रहे हिंदूवादी संगठनों और अन्य लोगों पर लाठीचार्ज की घटना को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सामान्य घटना करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस रूट पर प्रदर्शनकारियों को जाने की अनुमति दी गई थी उससे अलग रूट पर वह जा रहे थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, उसको किसी भी प्रकार से हिंसक घटना कहना सही नहीं है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस वक्तव्य के साथ साफ कहा है कि उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन किया है और इसे एक सामान्य प्रशासनिक कार्य माना है। पूरी तरह से अभी तक देखिए, जो उत्तरकाशी में जो घटना कल हुई है उसमें जो हमारे पास जानकारी है कि कुछ स्थानीय लोग वहाँ मस्जिद को लेकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे जिनका रूट निर्धारित किया गया था, और उसके बाद वो मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ बैरिकेडिंग की गई थी। उसी बीच में ये भी जानकारी आई है कि पथराव हुआ, पथराव से हबड़ तबड़ मची, और जब हमारे वो स्थानीय लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे तब थोड़ा सा मामूली लाठीचार्ज हुआ। तो ज्यादातर लोगों से बातचीत हुई है और वो लोग कल वहाँ से, कुछ लोगों का उपचार हुआ, उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया और स्थिति पूरी तरह से अभी तक नियंत्रण में है, लेकिन आज भी कुछ लोगों ने वहाँ बाजार बंद कराने का आह्वान किया है। तो सही जानकारियां धीरे धीरे सामने आई। देखिए, जो उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से लैंड जिहाद, मजार जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लव जिहाद के साथ साथ डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। इन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने रुख को साफ किया है। विपक्ष की ओर से भी सरकार पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी इस मामले में सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारें कमजोर पड़ रही हैं और अगर कानून का राज हो तो कोई किसी पर हावी नहीं होगा। वहीं शंकराचार्य
आचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद के मामले में कहा कि अगर मस्जिद सही है और वैध है तो सरकार को जनता के सामने स्थिति साफ करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मस्जिद अवैध है तो ऐसी स्थिति में वहां पर बुलडोजर चला देना चाहिए। कुल मिलाकर शंकराचार्य ने इस मामले में भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि जब स्थिति स्पष्ट नहीं है तो जनता आंदोलन करेगी, लेकिन इसमें सरकार को कागज दिखाकर साफ करना चाहिए कि मस्जिद वैध है या अवैध। अब 80 से हमने बोलना शुरू किया और आज तक बोलते रहे, लेकिन जितने दिन हम मुझे बात शंकराचार्य जी के, ये मुसलमानों में सुन्नत है, धर्म है कि जब कोई खाने की चीज किसी के लिए आगे बढ़ाते हैं तो थूक करके वो बढ़ाते हैं। वो मानते हैं कि इससे प्यार बढ़ता है और ये भी मानते हैं कि जैसे दूसरे धर्म का व्यक्ति खाएगा तो उसकी पवित्रता खंडित होगी, तो हमारे में आ जाएगा, तो इसलिए वो करते ही हैं। तो ये तो हमको तय करना है ना कि हम किसके हाथ का खाएं किसके हाथ, इसीलिए हम लोग पहले विचार करते थे, अब वो विचार बंद हो गया तो अब ये सब तो भोगना ही पड़ेगा। भाई डेमोग्राफी तो हो ही रही है, जहाँ जिसकी डेमोग्राफी है वहाँ पर वो राजा बन गए, सरकार का राज अब कहाँ देश में दिखाई देता। डेमोग्राफी कितनी भी बदल जाए, अगर सरकारें दृढ़ हो तो न्याय कानून का शासन हो तो डेमोग्राफी क्या कर लेगी, लेकिन सरकारें कमजोर पड़ गई हैं इसीलिए डेमोग्राफी प्रभावी हो गई है। जहाँ जो ज्यादा संख्या में है वो अपने दादागिरी चला रहा है, ये सरकारों की और प्रशासन की कमजोरी है। नहीं, हमारा कहना है कि अवैध है कि वैध है, ये तो सरकार की अनुमति अगर बनाने की मिल जाती है तो वैध मानी जाती है, तो सरकार इसमें क्यों चुप है, जनता को क्यों आगे आना पड़ रहा है। जनता का सीधे काम तो नहीं है कि वो जा करके किसी अवैध निर्माण को हटा दे, लेकिन जनता जब नहीं सह पा रही है और प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही, तभी जनता को आगे आना पड़ा। तो हम चाहते हैं कि अगर अवैध है तो तत्काल उस पर निर्णय करके बुलडोजर चला देना चाहिए, और अगर अवैध नहीं है तो जनता को बताया जाना चाहिए कि नहीं नहीं ये अवैध नहीं है, ये देखो कागज। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए नामांकन के लिए अभी 3 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार के द्वारा अभी नामांकन नहीं किया गया। यहां तक कि भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों पर यहां सबकी नजरें टिकी हुई हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी या अन्य राजनीतिक दलों की ओर से भी किसी के द्वारा नामांकन अभी तक नहीं किया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय चौंगदंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक कोई नामांकन नहीं हुआ है, नामांकन से लेकर चुनाव की तैयारी में निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से जुटा हुआ है। विधानसभा का उपनिर्वाचन जो है उसकी तैयारियां संपन्न हो रही है और नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अभी तक की जो जानकारी हमको प्राप्त हुआ है, अभी तक कोई भी नामांकन किसी भी प्रत्याशी के द्वारा अभी दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन अभी 29 तारीख तक का समय है और जो भी नामांकन होंगे आगामी 2-4 दिनों में होने की संभावना हम कर रहे हैं। तैयारी सारी हमारी संपन्न हो रही है, हमारी जो भी पोलिंग पार्टियों के लिए जो कार्मिक होते हैं उनका रैंडमेशन का प्रक्रिया संपन्न हो चुका है प्रथम चरण का, और अगला चरण का जो प्रक्रिया होगा वो ऑब्जर्वर साहब के आने के बाद में संपन्न होगा। 173 बूथों पर यह मतदान प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, तो उसके लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो प्रोक्योरमेंट का प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है जनपद स्तर पर, और निर्वाचन की व्यय को देख दृष्टिगत जो है 10 स्टैटिक सर्विलांस टीम और 8 फ्लाइंग स्क्वाड का तैनाती भी जनपद स्तर पर किया गया जो 24 घंटे कार्य। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का क्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। अपनी इस मांग को लेकर प्रदेश भर में छात्र धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून में भी MKP कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद कर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने छात्र संघ चुनाव को लेकर सत्तासीन भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि छात्र हितों को अनदेखा करने का काम सरकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि छात्रों के द्वारा लगातार इस विषय पर मांग की जा रही है कि चुनाव कराने का कार्य हो, लेकिन सरकार जानबूझकर छात्रों के अधिकारों का हनन कर रही है। छात्रों की सुरक्षा और उनके उनके जीवन की सुरक्षा भी, लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा भी हमारे लिए प्रमुख कर्तव्य है। जब हरीश जोशी टावर में चढ़े
तो वो कोई ऐसी घटना न हो जो पहले रामनगर में घटित हो चुकी है, तो इसलिए मैंने ये कहा कि यदि आप इसका समाधान नहीं करेंगे तो मैं भी टावर में चलूंगा। तो चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री आवास में ब्रह्म कुमारी की उपक्षेत्रीय प्रमुख मंजू दीदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि राज्य के माननीय विधायकों एवं अन्य प्रबुद्ध लोगों के समक्ष ब्रह्म कुमारी की मोटिवेशन स्पीकर बीके शिवानी के प्रवचनों के आयोजन में भाग लेने का न्योता दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था समाज में शांति, सद्भाव और मानवता का संदेश देने का कार्य कर रही है। समाज में परस्पर भाईचारे का संदेश देने की आज नितांत जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संस्था देश व विदेश में करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का कार्य करी है। उन्होंने कहा कि संस्था से जुड़े बहनें और भाइयों द्वारा लोगों को सरल भाषा में जीवन जीने की कला के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी सराहनीय है। ।2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता व कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन अब बड़ा हुआ कुनवा कहीं न कहीं भाजपा के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। 20 नवंबर को केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की होड़ लगी हुई है। लेकिन इस बीच केदारनाथ सीट से दो बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार चुके कुलदीप सिंह रावत ने तेवरों से भाजपा में बेचैनी है। भाजपा में शामिल हो चुके कुलदीप उपचुनाव में टिकट न मिलने पर बड़ा कदम उठा सकते हैं। उनके सोशल मीडिया पर चल रहे इंटरव्यू तो यही संकेत दे रहे हैं कि जिसको लेकर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी में काफी असंतोष है। महारा ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त पार्टी हो गई है। देखिए, मैं क्योंकि वो बीजेपी के परिवार के सदस्य हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी असंतोष है। सैला रानी रावत जी की बिटिया भी तैयारी कर रही हैं, कुलदीप रावत क्योंकि पिछले बार वोट लेके आए थे ठीक ठाक, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं और अन्य लोग भी वहाँ हैं। आशा नौटियाल जी हैं जो उनकी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी हैं और अन्य भी दावेदार हैं। तो वहाँ नाराजगी भी है, लोगों को झूठ बोलकर पार्टी में सम्मिलित किया गया, सपने दिखाए गए कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आगे आपको मौका मिलेगा, तो आज वो चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते आज कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई। वहाँ 80% लोग तो कांग्रेस के ट्रेंड लोग हैं। मंत्रियों को देख लो, मंत्रियों की संख्या देख लो, उसमें भी आधे मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस मुक्त करते करते खुद ही कांग्रेस में ही हो गई। चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।